दसम पातशाह तक अद्वैत जिहड़ी है दसम ग्रंथ विच उह अपनी शिखर ते पहुंच जांदी है, जिथे परमात्मा दे नाम तो अगे की गल अनाम की गल आ जाती है। हुण इह समझण वास्ते पहला आत्मा पवित्र चाहिए, बुद्धि उच्ची चाहिए, नहीं तां समझ आउंदी है भी अनाम की चीज है। नाम तो है, शुरू च असीं गुरु ग्रंथ साहिब च सत्य नाम, नाम तो है, अनाम की है। अनाम उह स्थिति है जिथे सारे नावां दा भेद भाव द्वैत खत्म हो जांदी है, केवल एक नाम रह जांदा है। सारे नाम जदों एक नाम विच स्थित हो जाण, जिहड़ा शब्दां राहीं बयान नहीं हो सकता, जिसनूं अल्लाह नहीं लिखा जा सकता, जिसनूं वाहिगुरु नहीं लिखा जा सकता, जिसनूं कुछ नहीं लिखा जा सकता, हरी नहीं कहा जा सकता, गोविंद नहीं कहा जा सकता, परंतु जिदे विच साधक नूं, साधना करन वाले नूं, ज्ञानवान बंदे नूं सारे नाम उहदे विच विलीन होए दिसदे ने, उस स्थिति नूं असीं अनाम कहिंदे आ। उह अनाम है जिहड़ा जाप साहिब विच रख्या है। जदों मनुख नाम जपदा ते जदों इस स्थिति ते पहुंचदा है, बलिहारी जाओ जेते तेरे नाम है, जितने तेरे नाम मैं दर्शन कीते ने सारिया दे मैं कुर्बान जांदा, बस कुर्बान ही जा सकदा, नाम दा भेद ते खत्म ही हो गया। उत्थे गोविंद, राम, अल्लाह, हरि, वासुदेव, कृष्ण सब एक हो गया।